दौरे हाजिर के बहुत बड़े डॉक्टर अजीब साहब हुसैन मिश्री नाम सुना होगा मिश्र के बहुत बड़े मंत्री इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा अजीब और अजूबी अजीब और अजीबी देते थे। इस किताब को जिक्र करते हुए किताब जब लिखी तो बीच में एक बहाव के आके ताहा हुसैन मिश्री ने नकदी बनाना का एक हिस्सा नकल किया तब जो समाज में बन गया एक हिस्सा नकल किया नकदी बनाना वो तो जब के मेहमान का हिस्सा था जब के जमान का हिस्सा जब के जमान में एक शख्स जो मौला के असरा में से था वो शख्स का बन गया तब खुद का शिकार हो गया कि कैसे हो सकता है इतने बड़े बड़े असरार अल्फाज जुबैर इतने बड़े बड़े आशा मुबशरा कैसे वो गलती पर होती सिर्फ बन गया शख्स कला तो अमीर मोमिन के पास आया और अमीर मोमिन के पास आया कहता है कि यह अली मुझे समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े असरार जो है गलती पर हो सकते इतने बड़े बड़े असरार गलती तो उनके हाथ से जब उतर ये मेरी शक्ल बन गया शख्स पड़ गया ऐसे ही शख्स पड़ा था अमीर मोमिन को जवाब दिया जो लहजन बनाना में मौजूद है अगर तो उसे समाज बनाइएगा असमा के लहजन बनाना तो समझ लीजिएगा मौलाए तकीबला का लवल यूसुफ अलैहि अभी तुम शजीद की शिमा में बड़े बड़े हो तवज्जो कीजिएगा तो अरे शजीद इस शिमा में बड़े हो ला यअरफुल हक वल बातिल फी अज्राद अल रिजाल अजीज जुमला वाला का मौलाए तकीबला हक और बातिल को समझने के लिए शख्सियतों को कसौटी का नाम बंद हो तवज्जो हक और बातिल की कसौटी अफराद नहीं होते तुम अफराद को देख के हक को नहीं पहचान सकते तुम ये नहीं देखो कि वो सहाबी थे अशरा मुबशरा में से थे इसलिए वो हक पर होंगे ये रिवायत में ये बात लगाई थी इसलिए वो हक पर होंगे इतने अजीम थे इसलिए वो हक पर होंगे मौलाना ने कहा कि अफराद को कभी भी हम लोग पास जाते की कसौटी करारा दो हक तारीख रहा हो हक को पहचानो हक लेकिन बातिल भी लगा रखा है बातिल को पहचानो बातिल वाले खुद वक्त तुम्हारे सामने आया हो जाएंगे इस मौला के जुमले के बाद ताहा हुसैन मिश्री के जुमले है सैयद का नहीं है पहले सुंदर मुफ्ती का वाला दिया ये जुमला अल्लाह को चलते पर मैं इसकी वजाहत करूंगा इस जुमले को नकल करने के बाद अपनी किताब में लिखता है अल्लाह के कलाम और वही के बाद इससे बेहतरीन जवाब मुझे नहीं दे सकता इससे बेहतर जवाब मुझे नहीं होगा और आज देखो अब तो बातिल की कसौटी अफराद नहीं होते आज हमारा मुआशरा शरिया है हम लोग अफराद के बैर होता है तो कीजिएगा मैं एक मुआशरे की सबसे बड़े बड़ा सबसे बड़ा फिकार कराना चाहता हूँ यानी देखिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ हमारे वाला हमारा किसी से भी हम गर्म बन गए तो कहते हैं नहीं ये गलती बात नहीं हो सकता इसके अलावा इसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं सोच रहा क्यों भाई ये तो आयतुल्ला है अल्लामा है बात है लोग एक दूसरे को लेकर दूसरा दूसरे के पीछे जा रहा है ये गलत नहीं हो सकता शिया का तीसरा बंदा वो तीसरे के पीछे किया हुआ वो गलत नहीं हो सकता भाई ये मासूम थोड़ी है गैर मासूम है गैर मासूम है तो गलती हो सकती है क्यों इनको मासूम के बराबर लाया जा रहा है कि ये गलती नहीं कर सकती बोला गया तब की कसौटी अफराद का बल बड़ा हुआ है ये अल्लामा है नहीं हमने कसौटी है वो सज्जन है तो वो अपनी कसौटी है ये हमारा मौला है तो मौला आपकी कसौटी नहीं है हक को पहले पहचान लो हक आया वही समझ में आ जाएगा अजीब जुमते मौला के मौला का जुमते कि हमारे लिए है ये शिया अफराद के लिए ना हमको बनाना कोई हौसले में पढ़ाई जाने वाली किताब नहीं है कि अमीर मोमिनीन के वो जुमले हैं जो आवाम उल्लास से बात की है मौला पूछा हुआ ये वो नसीहतें हैं जो मौला आम लोगों के लिए पेश कर रहे हैं मौसम में पढ़ने वाले उलमा के लिए
मौलाना साहब के लिए तलबा की नहीं है, आम आवाज की मौलाना पेशी है कि देखो हक को पहचानो, हक वाला खुद ही समझ में आ जाए। आज हमारा सिलसिला ये हो चुका है जो भी सबसे पहले सोच कर देखते हैं मौलाना का कोई अपनी फौज पहुंचा चाहे उधर क्या कर रहा है, इसके सिर पर लगा दिया, फेसबुक पे अपने स्टेटस पर लगा दिया, स्टोरी पर लगा दिया। आज डॉक्टर कलाम ने मौला के अखबार फेसबुक की जिम्मे कर रहे हैं, व्हाट्सएप की जिम्मे कर रहे हैं, अब तक बात वालों को देखा भी नहीं जाता है हम लोग लीड क्या या नहीं, बस इसी का भी फॉलो है दूसरे फॉलो इमाम अली फॉरवर्ड स्टेटस पे, जबकि वो फॉलो इमाम का होता ही नहीं है। अब तक मंसूब किया जाता है बात से इमाम के नाम से करा दिया, ये काम अगर रमजान में किया जाए रोजा बातें हो जाए इंसान का, कोई भी झूठी बात अगर से सही है बात सही है, लेकिन आपने इमाम से गलत मंसूब किया आपने रोजा बात है, क्यों आपने झूठ इमाम से मंसूब किया जबकि इमाम की बात नहीं की थी। तो आजकल हम लोग अमीर मोमिन के अखबार का व्हाट्सएप भी सीधा बना रहे हैं, जबकि अखबार अमीर मोमिन व्हाट्सएप भी सीधा बनाने के लिए नहीं थे, अपने आप को अमीर मोमिन की सीधा बनाने के लिए। आप पूर्व लगा सही बना करने पूर्व लगा सही अरे लोगों हमारे लिए बारिश से सीधत बनो, बारिश से सकुहार हम बनो, हमारे लिए बारिश से सीधत तुम्हें देख के लोग है कि अली कैसा होगा जब अली शिया का चटे बाद में फरमाया हमारा शिया एक लाख की बस्ती में जो सबसे ज्यादा होगा तकी परेशान होगा वो हमारा शिया, एक लाख की बस्ती शिया का इस तरीके से हाँ हमारे लिए बारिश से सीधत बनो बना बनो बना 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 इंसान क्या करते अपने माँ और बाप की वसीयत से करते, बेटा मुझे कर देगा, बेटा मैं वो कर देगा, मेरे बाप क्या कर देगा, छठे बाप क्या करें, छठे बाप मन के आशीर्वाद से कह रहे हैं نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھ سکے، جو نماز کو کم سمجھے ہماری شفاعت اسے میسر نہیں آئے گی، یہ تو منفق قول ہے۔ ہمارے لیے بارش سے زینت کرو، بارش سے دعا نہ کرو، تم لوگ جاہل کو کبھی بھی نہیں پاؤ گے مگر جاہل کے اندر دو سے بات ہوگی، یا تو وہ کسی چیز میں انتہائی شدت سے کام لے گا یا کسی چیز میں انتہائی تفصیل سے کام لے گا، توجہ یعنی جاہل کی دو سکھا بنانے والا، ایک جاہل نفرات کرنے والا ہوتا ہے یا جاہل تفصیل کرنے والا، کیا کرنے والا ہوتا ہے افراد یا تفریح، افراد کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے، تفریح کسی چیز کو بتا دیتا ہے، نہیں کیا مطلب یعنی ہم کسی کو ہی مانیں گے اتنا شدید مانیں گے کہ اس کو مولا بنانے کی کوشش کریں گے، کسی کی کام کے پیچھے لگے تو بات سارا دور ہوگی، اتنی شدت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ اس کے تفریحات کا شکار کر لیتے، بعض لوگ کسی اور کو انتہائی کوتاہی اور تفصیل کے ساتھ، مثال کے طور پر ہمارا معاشرے کا ایک مثال ہوگا آزادانی میں ہم لوگ انتہائی شدت کے ساتھ آزادانی کرتے ہیں، اچھی بات کرنی چاہیے آزادانی بالکل شدت کے ساتھ ضروری کر دے، یہ آزادانی کی صفت ہے، لیکن دوسری طرف سے نماز نماز کا تفصیل سے کام لے گاہی سے نماز آپ قضا پر ہو جائے تو کوئی ضرورت پر نہیں ہوگی، اہل ہے یہ نہیں کہا محمد والے محمد کے تمام مسلم کی میں آپ کے سامنے دو دن سے ولایت کے فضائل پر رہا پیش کر رہا تھا کہ ولایت کیا چیز ہے، آٹھویں امام کا جملہ ہے توجہ اس وقت ہماری ہے راجیو جی ملائی ہے آٹھویں امام کا بارے لے کے ہماری ولایت کیا کرے گی، نماز نہیں ہماری ولایت میں بچائی جائے گی، روزہ نہیں ہماری ولایت میں بچائی جائے گی، حج نہیں ہماری ولایت
ہونا چاہیے, زکات آئی ہے اس کی ہدایت سے ہونا چاہیے کہ امام کا انعام شیعوں پر کہ اتنی محبت کر رہے شیعوں سے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو, ہم تمہیں عذاب دلائیں گے. لیکن کبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ امر عذاب نہیں ہوگا, یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہ کرو روزہ نہ رکھو دین کی کسی چیز کا بدل ہو. آپ نے امام نے فرمایا کہ امر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا, توجہ دیجیے گا, امر پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اپنی نماز پر بھروسہ کرتے ہوئے ولایت کے نہیں کرے, روزے پر بھروسہ کرتے ہوئے ولایت کے نہیں کرے, عبادتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ولایت کے نہیں کرے. کہا نہیں, امر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا اور ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں امر کو چھوڑنا. یعنی ہم کہیں امر اور ولایت دونوں ہی ساتھ چلیں گے, جس کے بعد دونوں چیزیں ساتھ موجود ہیں وہ ہے علی کشمیر کا, جو امر بھی رکھتا ہے ولایت بھی رکھتا ہے. دونوں مرضی میں ہو رہا ہوں سر, آگے آگے دوسری جگہ پڑ رہی ہوں. حق کو پہچانو, حق والا حکم پہچانو, باطل کو پہچانو, باطل والا حکم. اپنے بات سے وضاحت کے ساتھ بالکل نہیں کر سکتا, جب اشارہ کرتے ہو اشارہ دے دیتے ہو, خود ذرا سوچی تو بہت جانتا ہوں. حق کو پہچانو حق والا حکم پسند کرتے, باطل کو پہچانو باطل والا حکم پسند کرتے. افراد کو حق و باطل کی تصوفی مت بناتے, افراد کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جائے کہ یہ ہے تو یہ حق ہے وہ ہے تو باتیں نہیں کرتے, نہیں افراد کو بھی ہم باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اب تمام معاملے کو غلط ہو جاتا ہے, کیا کرو جانے کو نہیں کہو کہ مطلب یہ کہ جانے یا افراد کرے گا یا کیا کرے گا, سب نہیں کرے گا. افراد کو بڑا دینا کسی چیز کو شدت پسند کرے گا, تفریح کسی چیز کو کم کر دے گا. آپ شدید سے نصیب سن لیجیے, اسبق الاستراب اشد حکم بن جائے گا یہ غریب والے, تم میں سے ایک تو اصرار پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہی ہو جاتا جو علی سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہو. یعنی محبت میں افراد, محبت علی میں افراد برا نہیں ہے, افراد ہر چیز کا برا ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں افراد کا برا ہے, لیکن علی کی محبت میں افراد برا نہیں ہے. ہاں علی کی ذات پر کوئی افراد کرتے یہ بات ہوئی پھر لہجے بنانا پاؤں گے الگ اپنی رجمان والا کہہ رہے کہ دو بندے میرے بارے میں حلال ہو جائیں گے, کتنے بندے حلال ہو جائیں گے, کون کون سے محب و بھال و محب و بھال, ایک وہ جو اتنی محبت کرتا ہوگا کہ مجھے انسانیت سے نکال کے اوبیت میں جگہ دے دیں گے, اور دوسرا تو مجھ سے اتنی نفرت سے رکھتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں آنا. یہ دو بندے حلال ہیں, یعنی ہم علی کی ذات میں احساس نہیں کر رہے, ہم ظاہر میں بھی پیش کر رہا ہوں. ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محمد والے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بجا سمجھتے ہیں, نہیں ہرگز نہیں. محمد والے محمد ابد خدا ہے, بندگان خدا ہے, مگر ایسے بندے ہیں جو ہمارے جیسے نہیں ہیں, سمجھو گا, ایسے بندے ہیں جو ہمارے جیسے نہیں ہیں. امیر المومنین اس بات پہ فخر کرتے ہیں, امیر المومنین فخر کرے, پارے صاحب میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ تم میرا پروردگار ہے, وکفانی فخر من اکون لک عبدا, میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تم میرا پروردگار ہے, اور مجھ علی کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی جس بات میں فخر کر رہے بندہ ہو گئے کہ اللہ کا, اللہ کا بندہ ہو گئے, لیکن اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مثال کے طور پر بندے یہاں محنت کر کے علی کی برابر سمجھے. اور مجھے بھی علی تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ایک الگ ہی بن گئی تھی, توجہ کیجیے گا, علی کی علی تعالیٰ کی بندگی ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. علی کی بندگی کیا تھی, محض بنانا,
मौला हमें आगमों की कुछ सिफात कर रहे हैं। तो जो कीजिए नहीं सुन रही तो नहीं सुन रहा तो मौला तेरे साउंड मुन आप अपनी ताह पांच लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तम अपनी जन्नत जन्नत की लालच सवाब की लालच और आज मैं आज मुसलमानों का यही बात है कि क्या काम है वास्तव में अल्लाह जन्नत के भेज दे नमाज पढ़ने को अल्लाह जन्नत के दरजात को भेज दे लेके आएंगे तो हम सब आजाद होगा और अगर देखिए इबादत कामों को दो करो एक कौन सा है जो अल्लाह की इबादत करता है जन्नत की लालच दूसरा करो जो अल्लाह की इबादत करता है जहन्नम के खौफ से समझा कीजिए दो करो एक जो अल्लाह की इबादत कर रहा है इसलिए सब बोलिए मेरे साथ जन्नत की लालच है दूसरा मतलब वो अल्लाह की इबादत कर रहा है इसलिए जहन्नम के डर से कहीं कोई ना पड़े पर इसलिए चिंता ना हमारे वहां पर जाके अजाब में खबर को दुसू भी आ जाए सांप भी आ जाए जैसा में कीड़े मकोड़े भी लग जाए इसलिए इबादत कर रहा है अमीर मोमिन कह रहे हैं कि इबादत का अल्लाह के दो गुरु हो जाते हैं एक जन्नत की लालच से कर रहा है एक जहन्नम के खौफ से कर रहा है फिर अभी अपनी इबादत का बता रहा है बाकी की बंदगी मिल रही है ताकि इलाही मैं तेरे परवरदिगार माँ अगर मैं तो करता हूँ अल जन जाता मुझे अमीर ने तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं की वला ना खौफ मिन नार ना जहन्नम में खौफ से की है पर वजह तू का अहमद ने इबादत है अली की बंदगी का फर्ज हमसे अब जिस तरह मौला का सलीम का दावा जो है ऐसा दावा है जो दावा कोई नहीं करता है जलील व पार हो जाता है इस तरीके से ये दावा भी कि हम तो अल्लाह की इबादत जन्नत के लिए नहीं करते जन्नत के लिए करते अल्लाह की इबादत जो है तो किसी के लिए ये दावा भी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी की इबादत में कोई ना कोई मसला खुशी है अभी तौर पर होता है ये दावा करना बहुत मुश्किल है पेशक से दावा कर दिया कहा कि अल्लाह की इबादत सफर और सफर क्यों करता है इबादत का लालच उसको नहीं करता हूँ मैं जन्नत की लालच में करता हूँ मैं जन्नत के खौफ से करता हूँ इनसे सब कर जैसा तेरे पास क्या दलील है तवज्जो कीजिएगा तेरे पास क्या दलील है कि अल्लाह की इबादत में जन्नत की लालच में कर रहा है मैं जहन्नम के खौफ में कर रहा है तो फौरन कहते हैं अली के पास क्या दलील थी तवज्जो कीजिएगा कहते हैं अली के पास क्या दलील थी अली ने भी वो कहा था कि मैं जब ये इबादत जन्नत की लालच में करता हूँ मैं जहन्नम के खौफ से करता हूँ फौरन जवाब होता है अली के पास दलील थी कहते क्या दलील थी अली ने उस वक्त भी अल्लाह की इबादत की जब मैं जन्नत की मैं जन्नत चली थी अली ने उस वक्त भी अल्लाह की इबादत की तो अली ऐसा नहीं कह रहे कि मैं तेरी इबादत में जन्नत की लालच में करता हूँ जहन्नम के खौफ से करता हूँ दोनों पढ़ते मोहम्मद अल्लाह जो हमारे वालों को उलू करे तो हलाल है जो हमारे वालों में तकसीम करे वो भी हलाल है अब उलू है क्या आज तो काफी सारे लोग परेशान हो कि उलू की हद तक मालूम है कि अहले बैत के बारे में उलू क्या है तो मासूम की रिवायत में उलू है उलू फीना वाशिश हमारे वालों में जो फसलत बयान है उनके बयान को इल्म ज्यादा सिर्फ हमें अल्लाह का बनाना समझो अल्लाह का दर्जा कर दो अल्लाह के अलावा जो बताए हमारे बयान करते हैं करो ये जरूर नहीं है बाज लोग बाज लगाते शुरू करते हैं मौलाना तो दूर कर दिया दूर दूर ये चीज नहीं दो चीज नहीं है फकत अल्लाह का दर्जा हुआ कि अल्लाह का दर्जा उनको दे देना या ये कहना कि अल्लाह ने अपने तमाम लोगों ने जो सुकून कर दिए थे खुद साइड पर बैठा हुआ है ये उर्दू है इसके अलावा अहले बैत के फजाइल पढ़ना कि इस तरीके से इन्होंने जिक्र किया इस तरीके से इन्होंने मुर्दों को जिंदा किया इस तरीके से बाल शहर को उठाया इस तरीके से जंगे की इस तरीके से लोगों की मुश्किल सवालत के जवाब दिए इस तरीके से बैठ के खबरें दी ये गुरु का नहीं आते हैं ये सब चीज़ें फजाइल अहले बैत हैं सलमान से कहा मौलाना अल्लाह की रिवायत है आयतों को उस वक्त की रिवायत है तो सुनिए रिवायत को
मैंने डॉक्टर साहब के सामने नजर बना के और जो सोचे अब जो सुबह बताए तो सुबह तक ये भी सारे बताए तो बोला कि बाप का पर सुबह भारी बन जाते हैं तो इस वजह से जो शुरू करते हैं वो बात है। روایت امام پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ رسول کی روایت بھائی لوگوں میں لگ رہی آزاد ہو اور سارا کا سارا آزاد ہو اس کے لیے اشعار کو فی امور لینا اور امور جو ہم محمد و آل محمد کے امر میں یا علم میں شک کرنا ہے شک کرنے والا کون ہے چند مصطلح سے ایسا ہے کہ جس میں ہمارا مذاق اڑایا نو فل کرنے کا لوگ تو سن لگ رہا ہے جو ہمارے آنکھوں کے ساتھ کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا ہے کہ اس میں ہمارا کیا اڑایا مذاق اڑایا جبکہ اللہ کی کتاب میں ہماری ولایت کی بار بار بتائی دی گئی ہمارے یہاں سے موجود ہے ہمارے حصے سے ہم سب سے دیش و دوارا کے سامنے پیش کرو ہمارے حصے سے ایک اور والا درجہ ہے اور بڑی پریشانی کی عادت چل رہی ہے تو مولا جی وہ کرتا ہوں جاؤں گا ہمارا مطلب میں سمجھے کی بات کہہ رہا تھا کہ بڑا درجہ ہے مولا جی وہ پتھر اٹھاؤ کافی پتھر اٹھاؤ کافی آج پتھر اٹھا کے خدا تو میرا واسطہ تو تمہارے لیے سزا بنا دے گا توجہ کیجیے ہمارا پتھر اٹھایا ہاتھ میں جیسے ہی آیا علی کا واسطہ جی وہ پتھر سنا ہوا ہے اب یقین کی بات دیکھیے جیسے ہی سونا بنا تو امیر المومنین کا جتنا تمہاری ضرورت ہے اتنا اس سے لے لو باقی دوبارہ زمین پر دے دو تو کہتے ہیں مولا پتھر اتنا بڑا پتھر ہے اب اس سے سونے کو کیسے ادا کر دو امیر المومنین کی فکر یا ضعیف الیقین اے کم یقین والے اللہ کو مجھے علی کا واسطہ دو میرا واسطہ کافی نے نبی کے دیتے تھے داؤد خدا کو میرا راستہ دے دیتے خدا داؤد کے لیے لوہا بنواتا تھا تو میرا راستہ دو تو ہم نے سونا بنوا دیا جیسے ہی راستہ دیا وہ سونا بدل گیا اتنا اٹھایا باقی زمین پر پھینکا دوبارہ ختم ہو گیا ہمارے آپ میں شک نہیں کر رہا تھا ہمارے علم میں شک نہیں کر رہا تھا میں تو برابر ہے مولا کا خدمت پہنچوں گی حضوریہ خوارش کو کھایا جاتا ہے خوارش کے نام حضوریہ تاب مولا سے سے خوارش کا ایک بندہ ہے جو تحجد و یقظہ نماز شب پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کام کیا کرتا ہے عبادت کرتا ہے ہم لوگوں کو سے نہ جو دماغوں میں ابھی وہ بھی کہہ رہے اور جو سنجے گا سن لیتے کہ وہ شخص جو یقین پر سو رہا ہے لنور علا یقین جو شخص یقین پر سے سو رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو شخص بارے میں عبادت کر رہا ہے یقین کی ہمیں سوچ کہ یقین کی حالت میں سونے والا اس سے بہتر ہوتا ہے شک کی حالت میں عبادت شک کسی صورت نہیں کرنا آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ شک اور شکو کو شفا کر رہے حتیٰ کہ آج آپ نے اس طرح زندگی گزرتی کر رہے بعض لوگ امام میں کھا کر کے آخری دور میں شکل پڑ جائے گی حتیٰ کہ امام میں زمانہ کے بعد ہم دوڑتے رہے اتنا زمانہ گزر جائے گا جو مومن ہوں گے امام کے آنے کے لوگ ہوتے ہیں اب کوئی امام نہیں آتے چودہ سو سال سے نہ آ رہے نہ آ رہے نہ آ رہے تین چیز کا بھی سیلاب آ گئے بنائے آ گئے لوگ کر گئے تاریخ آ گئے خون خراب ہو گیا ہر طرف مبارک ہے بم دھماکے ہو گئے مسجدوں میں شیعہ شہید ہو گئے ہم مارا مر گئے نہ آئیں گے نہ آئیں گے نہ آئیں گے کب آئیں گے نہ آئیں گے حدیث ہے کہ جب آخری دور آئے گا جو چاہنے والے ہوں گے وہ شک میں پڑ جائیں گے شک میں پڑ کے دین سے خارج ہو جائیں گے اور وہ مذہب میں نہیں ہوں گے وہ داخل ہو جائیں گے امام کے اسباب مسجد سے بھی وہ بہت چل رہے ہیں یقین اس طریقے سے پیدا کیجیے کہ بھائی صحیح ہے خراب چل رہے ہیں امام نہیں آ رہے ہمیں پتا ہے مر جائے گا کوئی کچھ بھی نہیں ہم نے مر جائے گا امام آئے نہ آئے ہمارا یقین ہے ان کی ضرورت ہمیں کوئی ضرورت نہیں
हम तो मानते हैं हम जल्दी आ जाए, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं, जब खुदा की रस्या को जो इमाम मजबूत मिल जाएगा, इससे परेशान नहीं होगा कि इमाम नहीं आ रहे, इमाम नहीं आ रहे, इमाम को लगे से कुछ नहीं सकता। नहीं, इस मास वक्त को ये जो के लिए फिर कहते हैं ऐसे इमाम का क्या फायदा छुपा के रहे, गायब इमाम क्या कर रहे हैं हमारे लिए, अगर मौजूद होता तो हमारे लिए कुछ करता, तो गायब इमाम को क्या है। छठे इमाम ने फरमाया था जिस तरीके से सूरज बादलों के पीछे से जमीन देता है तवज्जो को, इसी तरीके से बहती परवाह जाकर फिर होते हुए फिर तुम्हारे मदद करते हैं। अब एक और फायदा सुनिए गायब इमाम का, क्या फायदा गायब इमाम का, इमाम चाहे हाजिर हो या गायब हो अकीदा बयान करके जा रहा है, इमाम चाहे हाजिर हो चाहे गायब हो इमाम का वजूद जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इमाम ने फरमाया था जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकती, समझ लीजिए अगर जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो तो क्या होगा, तो जमीन नाम हो सकता है, जमीन क्या हो जाएगी नाम हो जाएगी तमाम हो जाएगी। ये जो जमीन साबित अपनी जगह पर खड़ी है, ये जो लोग आज इस जमीन पर चल रहे हैं गुजर रहे हैं, ये इमाम के वजूद की वजह से होता है, समझ लीजिएगा। यानी अब इमाम गायब है, कुछ करे ना करे उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जमीन अपनी जगह पर हो, सबसे बड़ा फायदा यह कि उसमें जमीन को संभाला हुआ हो, जमीन मौजूद है। इमामों को कहा गया तूर का लफ्ज़ दिया था, क्या लफ्ज़ दिया था, अशहदु अन्नकुम तूर, ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद आप क्या है, तूर है, क्या है आप, तूर पहाड़ से तशबीह हुई, पहाड़ क्या होता है, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया था जमीन जड़ से शक्ल था, जमीन बिल्कुल साबित नहीं हो रही थी, सबसे गिर रही थी, क्योंकि जमीन को पानी के ऊपर बनाया गया था, पानी के ऊपर होने की वजह से जमीन बार बार फर्शिश नहीं आती थी, खुदा ने पहाड़ों को पीछे गाड़ दिया, पहाड़ जब गाड़े तो जमीन साबित हो गई। रसूल कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद भी है, तवज्जो, यानी वो पहाड़ जिन्होंने जमीन को अपनी जगह पर साबित रखा हुआ है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की जात है। कभी भी शक रख लीजिए अगर किसी की आओ में अहल बैत हो, इसी तरीके से मौला ने फरमाया था गुजर रहे थे मस्जिद के पास, बड़ी अच्छी जमाई मस्जिद से सुनिए तो ताज्जुब कीजिए, तो अपने मौला के अजब को जानिए, मस्जिद से गुजरे कमरा मौला के साथ है, तो एक शख्स को देखा नमाज पढ़ने वाला, तो मौला ने कहा अब्बा कहना मौला मैंने किससे ऐसे नमाज पढ़ने वाला नहीं है, जो बंदा हमारी विलायत पर यकीन करता है वो उस शख्स से बेहतर है जो हजार साल अल्लाह की इबादत करता है, तो जल्दी से उस शख्स से बेहतर है यकीन की रोशनी पर यकीन उस शख्स से बेहतर है जो हजार साल अल्लाह की इबादत करता है। फिर अजीब सुंदर है, फिर इसके बाद का अल्लाह है कमर पर खुदा की कसम पर, अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत इतनी कर रहे कि खुदा उसकी इबादत को 72 अंबिया की इबादत के बराबर सवाब दे दे, फिर भी मेरी इबादत नहीं करता होगा तो जन्नत में खुशी भी नहीं सोचोगे, 72 अंबिया की इबादत इबादतों के बराबर अगर किसी को सवाब दे दिया जाए तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सोच सकता जब तक अली की विलायत पर यकीन हो। दूर प्रति अखबार रसूल बनाना समझने के लिए अखबार रसूल बनाना सीधा के लिए है जो उनसे गौर करें उनको समझे। अब जरा एक बड़ा कौन जो मशहूर मालूम हुआ आप समझ सुना कि ये नहीं देखते कौन कह रहे, कौन कह रहे, ये देखो क्या कह रहा है, ये गोरल हम ने मौला रखा हुआ है अमीर मोमिनी का, क्योंकि मैंने आपने समझा पहले मुझसे जिक्र कर दिया कि अमीर मोमिनी का कलाम सिर्फ मैं जो बना रहा हूँ वहां से नहीं है, मैं जो बना रहा हूँ 247 सूत्र 79 आने और 480 कलिमात अनुसार 15,000 कलिमात अनुसार गोरल हिकम में मौजूद है मौला,
15,000 kalıbı. Oranın ürünme bir kalıbı. Ki unsuru, lat unsuru ile bakar. ये मैं देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अमीर मोमिन के लोगों ने स्पॉट को ले लिया और समझा कि हाँ बस ये बात समझे, ये तो देखना है कि कौन कह रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है। चूंकि आगे अली की बात करो उसकी बात समझो, चूंकि आगे अली की बात करो उसकी बात समझो, ये भी देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तवज्जो कीजिए, अमीर मोमिन की कौन की रोशनी आपके सामने नतीजे देखता है। ये कुल्लिया नहीं है कि हर बार ऐसा करता है, इससे ये देखना है कि क्या कह रहा है, ये नहीं देखना कौन कह रहा है, बल्कि बार बार ये भी देखना है कि कौन कह रहा है। तवज्जो कीजिए, मेहरबान है सिफिन ने, सिफिन ने और इसी तरीके से मेहरबान ने क्या किया, कुरान को बुला कर दिया। मैं सोचा था मेहरबान ने क्या किया, नाम बता दिया ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। तवज्जो कीजिएगा, सिफिन ने क्या किया, कुरान का जो प्रबंध कर दिया। मेहरबान ने क्या कहा, ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। अमीर मोमिनीन ने जवाब में क्या कहा, जब सिफिन वालों ने कुरान पढ़ा तो अमीर मोमिनीन ने कहा जब सिर्फ जवाब और कागज है असर कुरान इधर महसूस है। जब मेहरबान वालों ने कहा कि ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं चलेगा, अमीर मोमिनीन ने कहा कहने वाला तो हक है, कलिमा तो हक रहा है, युराय तो हक बात है, लेकिन इससे इरादा बात हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा, यानी अमीर मोमिनीन क्या कहना चाह रहा है, हमेशा यह नहीं देख रहा कि क्या कहा जा रहा है, बोले सच्चा है कि अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, वो सच्चा है कि अल्लाह की बातें कर रहा हूं, लेकिन हर बार ये नहीं देख रहा कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि बार बार देखना पड़ता है कौन कह रहा है। यानी मौलाना मेहरबान ने बताना चाह रहे हैं कि वो सामने अल्लाह का नारा लगा रहे हैं, इधर अली को नहीं देख रहे थे, कौन अली, अल अली ने अल हक अल हक का नारा लगा दिया, मैं अली के हक साफ है और हक के लिए साफ हूं। बच्चों की बात हो लेकिन दो बातें हैं आपके सामने, हमेशा से आपको कुंडिया नहीं लगाई कि ये नहीं देखो क्या कहा जा रहा है, क्या कहा कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ऐसा हमेशा नहीं है। खसूस आज का दौर में जरूरी है कि दोनों चीजें देखी जाए, ये भी देखा जाए क्या कह रहा है और ये भी देखा जाए कौन कह रहा है, ये दोनों चीजें इंतहाई जरूरी है। हम ये मोमिन की कला की रोशनी और आपके सामने पेश किया है कि अब ये मोमिन है इससे बुरा रहा होगी शिया की हालत को रोशन करने के लिए कि शिया बेदार हो, शिया मोहताज नहीं हो हमको समझने के लिए कि किसके पीछे चलता है, इतनी अकल शिया के पास होनी चाहिए कि वो खुद पहचान ले हक कहाँ है और बात भी कहाँ है। लेकिन आज का मुआशरा बिल्कुल उलट चुका है, बिल्कुल उलट चुका है, अफराद की परस्तिश की जा रही है, अफराद पीछे से लग रहे हैं, हर बात के दरमियान फर्क महसूस नहीं किया जा रहा। तो खुदा के अलावा जो अखबार से हुआ है कि हमें हकीकी मानों में हक को पहचानने की कोशिश की, हमें बातें की मानों पर नसीब करवा ताकि बातें को अगर पहचाने तो हक और हकूक समझ में आ जाए। गुरु पढ़ते मोहम्मद जो बयान करने का मकसद वो ये है कि इस वर्ष आजाद से हमारी ऊंचा मजालिस आज तीसरी मजलिस हो चुकी है, तीन मजलिस से और उसके बाद सातवीं मजलिस बन रही है, चुनाव हसन अजमेर की शहादत की बड़ा सदस्य होगी, तो इन तीन मजालिसों की बात की गई है तीन गुजर चुकी है, एक मोमिन भी इस बार वर्ष आजाद में आकर सुना दिल में कहीं नाजर बलागर की मोहब्बत उजागर हो गई तो सबसे मजलिसों की मोहब्बत पूरी हो गई। कहीं भी ये बात आ जाती है हम जाके अलाम अमीर मोमिनीन को पढ़े सबसे तो सबसे मजालिस की मोहब्बत स्वागत हो, वो अमीर मोमिनीन जो ऐसा कलाम पहले आ जाए कि उनकी जमीन पर ऐसा कलाम कोई नहीं कर ऐसा दिल ऐसी हिम्मत ऐसे जोर महा अल्फाज
ऐसी तालीम कर दिए थे, लेकिन लोगों ने छोटी तालीम नहीं होगी, मोहम्मद वाली मोहम्मद को अच्छी बात है कि हैरत की बात है। इमाम हसन की खिलाफत तो 10 साल है, 10 साल इमाम हसन खलीफा है, इमाम हुसैन भी मौजूद है, लेकिन अजीब बात है कि हमारी शियों की किताबों की बात कर रहे हैं। मसरूफियत देखी मोहम्मद अली मोहम्मद की, मसरूफियत देखी अली की नबी अली की, कि हमारे शिया किताबों में इमाम हसन और इमाम हुसैन से सवाल कुछ नहीं पूछा गया। फिर हदीस कौन हो रही है हमारे पास, कौन हसन और हुसैन है के बारे में रसूल कह रहे हैं जन्नतों के सरदारों के जवानों के, फिर भी मसाले लोगों ने नहीं पूछे थे, कलाम अमीर लोगों ने नहीं कुछ छुपाने की कोशिश की गई थी। मसूदी नाजुल बलागा जमा होने से 100 साल पहले लिख रहे हैं, 100 साल पहले कि अमीर लोगों के आज लोगों के दरमियान 400 खुदबात मौजूद है, 100 साल पहले लोग को दूर होते रहे हैं। हमें कोई नहीं उम्र करता मिलेगा ऐसे कलाम अमीर से, हमें अमीर की अजमत को समझना है, हमें इमाम हुसैन की अजमत को समझना है, हमें इमाम हुसैन की शिकाजा आसानी की खराबी पर अमल करना है। हम दिन में अभी डाले तारीख की वो मजबूत हो सकती है कि अगर देखा जाए तारीख की सबसे बड़ी मुसीबतें किस पर गुजरी, तो उन जो मुसीबतें सबसे बड़ी गुजरी है उनमें से एक पर अंगीर में अभी डाले नहीं जा रहे हैं कि इतना दिन इतने हिम्मत है इतने बराबर होने के बावजूद लोगों ने छोड़ दिया गया थे, ऐसे छोड़ा था कि करबला में इमाम हुसैन को कह रहे थे पूछा गया भी क्या हुसैन है हम जो आलम मान रहे हैं वो आपके द्वारा आइए की कैसे सुना रहे हैं। खुद इमाम हुसैन क्या कर रहे हैं, खुद इमाम हुसैन अपने बच्चों के नाम रखे अली अली अकबर अली औसत अली असरफ। जब दरबारे शाम में यजीद के सामने सर आए थे और पूछा गया था ये कौन है इसमें कहवा सैयद सज्जाद से, तो कहा इसका नाम अली है, तो कहा क्या अली को करबला में मार के नहीं आए थे लोग, तो क्या कहा इमाम ने कहा कि मेरे बाबा ने कहा था कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे देता मैं सबका नाम अली होता, 100 बेटे देता मैं सबका नाम अली होता। अल्लाह क्या बताना चाहते थे असल बाबा मुसीबतों के दिन पहुंच चुके हैं और आखिरी दिन है, तब से 3-4 दिन रह चुके हैं यहाँ पे अजा खत होने में, पता नहीं अगले साल किसी को मोहब्बत नसीब हो या ना हो, क्योंकि आजकल मौत पर पता नहीं है जवान भी मर रहे हैं बूढ़े भी जा रहे हैं बुजुर्ग भी जा रहे हैं सब जा रहे हैं, पता नहीं अगला मोहब्बत अगला सफर अगले अल्लाह में अजा शहीद माशरूम हम में से किसी को नसीब हो ना हो, तो जितना हो इन 4 दिनों में जी भर के रो लीजिए, हुसैन को जहरा को उनके लाल को सज लीजिए। चौथे काम सैन और आबिदी जरा मसाइल का मुकदमा बना रहा हूँ शहजाद मान को ये करता है। चौथे काम सोहरी नंबर होता है कि मैंने इमाम सैन और आबिदी के पास क्या बात है करबला में, इमाम सैन और आबिदी के पास जाकर जोहरी कहता है कि मौला मेरी बेटी की शादी है मजलिस में आई शादी में आई है, तो चौथे इमाम को जिक्र सुन के चौथे इमाम ने कहा कि ऐ ज़ोहरी करबला के वाजिए के बाद हमने शादियों में जाना छोड़ दिया, हम किसी खुशी की महफिल में शिरकत नहीं करते थे। जैसे ही ज़ोहरी ने इमाम का ये जुमला सुना ज़ोहरी परेशान हो गया, पलटा उसने कहा किस तरीके से मौला को घर पर बुलाओ, तो एक दिन अपने घर पर इमाम हुसैन का ही मजलिस रखता था, मजलिस उसके जाता है इमाम के पास चौथे इमाम के पास जाकर कहता है कि मौला मैंने अपने घर में आपके चचे मजलूम हुसैन की मजलिस रखी है अब तो आ रहा है मेरा, तो इमाम को कहा अब जब तक मेरे दादा की मजलिस रखी है मैं जरूर आऊंगा। चौथे इमाम मजलिस में जाते हैं, ज़ोहरी इमाम को सदर महफिल में जहां वसीयत और वसीयत होता है वहां बैठाता है, इमाम वहां बैठ के वसीयत कर रहा है, मजलिस होती है बड़ा दरिया होता है सब लोग बहुत होते हैं मजलिस तमाम हो जाती है, इतने में मजलिस तमाम होती है तो ज़ोहरी देखता है कि इमाम उस जगह पर नहीं है, ज़ोहरी अपने घर से तेजी में निकलता है कि इमाम को कोई बात पूरी नहीं लग रही, इमाम मजलिस छोड़ के चले गए।
तो ऐसे ही कौमी मजलिस से करता है करता है कि सैयद सज्जाद उस जगह पे बैठे जगह हजारों की चप्पलें रखी हुई थी अच्छा को हो गया जैसे कौमी मजलिस से करता है कि मौला मैं आपको वहां बैठा रहता था आप यहां हजारों की बालों के पास बैठे हैं सैयद सज्जाद कहते हैं जोरी भी वो नहीं देख रहा जो मैं देख रहा हूं सैयद सज्जाद कहते हैं जोरी वहां मेरी चंदा फातिमा बैठ के महसूस सुन रही थी جہاں میں ماں بہن کے مجلس سکتری میں بھاگ گیا نہیں بیٹھ سکتا ازادار جناب فاطمہ کو زیادہ ہر مجلس میں آتی ہے عقیدہ کرتا ہوا آج جن کی مصیبت پیش مجھے امام سجاد کو رونے کے لیے کوئی مسائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی سید سجاد کو سید سجاد کے سامنے کوئی بھاگ ہی آتا تھا وہ کہتے تھے میرے ماں بہن کو ایسا مان دیا کوئی پھول چھوٹا ہوا دیکھتے تھے کہتے میرا اٹھارہ कोई बच्चा खेलता हुआ देखते थे कहते हुए मेरा अजगर का बना मैं तीर रुक किसी जवान को जाता हुआ देखते थे हाय अली अकबर का बना मैं भाग अली अकबर कौन है सजादा का जो शहजादा अली अजगर के मसाइल पेश किए थे आज बड़े शहजादे अली अकबर के मसाइल पेश कर रहा हूं अली अकबर के बारे में तारीख में मिलता है कि जब विलादत हुई है अली अकबर की तो एक रात नौवा ने देखा कि अली अकबर के झूठे पर एक साया है जो हर रोज अली अकबर के झूठे पर आ जाता है एक रात उनमें लेना होती है झूठे के पास जाकर रहती है शख्स कौन है जो रोज मेरे बच्चे अली अकबर के झूठे के पास आकर देखना शुरू कर देता है इमाम हुसैन की आवाज आती है नौवा से आहिस्ता उन्होंने अकबर सो रहा है میرا بنا نواز بادہ روایت وہ ہے جس سے حسین ایسی محبت کرتے ہیں بعض علماء نے لکھا کہ مدینہ میں علی اکبر کو جب لے کے امام حسین نکلتے تھے تو اپنی ابا علی اکبر کے چہرے پر ڈال دیتے تھے تاکہ دھوپ علی اکبر کے چہرے پر نہ لگے یہ ہے علی اکبر شفا بولت رہیے گا میں مسائل پیش کروں گا علی اکبر کے اور علی اکبر کہ جب کربلا میں جانے لگے ہیں تو مقتل کے لیے کہا باپ جان اجازت دیجیے جب جانے لگے نا تو جیسے ہی مقتل کی جانے روانہ ہوئے علی اکبر کو پیچھے سے کسی کی چل رہی تھی آواز نہ علی اکبر میں پلے میں دیکھا تھا تو دیکھا حسین آہستہ آہستہ چل کے آ رہے تھے اور بول رہے تھے باقاعدہ گمراہ کرنے لیا علی اے علی ذرا آہستہ چلے اے علی ذرا آہستہ چلو علی اکبر واپس پلٹے کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے زبر کیا تھا یہ کیا آپ بار بار آہستہ آہستہ میرے پیچھے آ رہے امام ایسا کہتا ہے علی اگر تیرا بھی مجھے تیرا جیسا کوئی جوان رہتا ہوگا تو میں مجھ سے پوچھتا کیسے کرتا ہوں کیسے مصروف کیا جاتا ہے اگر علی اکبر سچ میں ہے تو یہ مقتل کی اجازت ہے ایسے کارے مہینے کے لیے جنگ لی ہے جنگ کر کے واپس کرتے ہیں آپ کے امام حسین سے کہتے ہیں بابا پانی پیاس بہت لگی ہے
Sayın Allah'ın birisi için alsın. O Allah'ın birisi için alsın. O Allah'ın birisi için alsın. Rabbana ve takabbel minna innaka antes semiu't-taab'u wa atbi'us-salaam.